गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8 ऑफ गॉड मदर इंग्लिश स्कूल. टुडे वी स्टार्ट एज अ सब्जेक्ट चैप्टर 9 द फ्रीडम मोमेंट ऑफ 1857 सर्टन ईरा एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सम ऑफ द पोर्शंस ऑफ दिस चैप्टर एंड ड्यू टू कोविड-19 वी हैव टू स्टार्टेड ऑनलाइन स्टडीज ऑन यूट्यूब. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द आउटब्रेक्स ऑफ द रिवोल्ट एंड द रीजन बिहाइंड इट विच वॉज अ सोशल एंड रिलीजियस रीजन, economic reason, political reason, military reasons and immediate reason. After that we have completed the point planning of the revolt and Mangal Pandey, and after that we have completed the point of spread of the revolt and its leaders, in which we have discussed about the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar, how they accept the leadership of the revolt and join the revolt. And after that we have discussed about the Kanpur and Nana Sahib point, in which we have discussed about that how Nana Sahib Peshwa was asked to assume the leadership of the revolt and how they surrendered to the Britisher. And after that we have discussed about the point Bihar and Kuwar Singh, in which we have discussed about the King Kuwar Singh, who was 70 years old landlord and was the leader of the revolt, and he chopped his hand off from the elbow when he got shot in his arm. And today we discuss about the point Jhansi and the great warrior Lakshmi Bai. Let's read the para first. The queen of Jhansi, Lakshmi Bai, was a great warrior. The Britisher did not accept her adopted son as their heir to the throne, and this is the reason for her joining the revolt. She was one of the most skillful leader of the revolt, and she has also prepared an army of women to fight against the British. They fought bravely against the British. According to the British official, Queen Lakshmibai was one of the greatest women leader in the revolt of 1857. तो देखो, हम झांसी की बात कर रहे थे. हमने थोड़ी बहुत बात की भी थी कि झांसी में जो है, झांसी का जैसे ही हम नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में लक्ष्मीबाई का नाम आता है. और लक्ष्मीबाई कौन थी? तो एक ग्रेट वॉरियर थी, ग्रेट योद्धा थी, जिन्होंने बहुत बहादुरी से जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था. और फिर बाद में भले मारी गई थी, मगर फिर भी जो है उन्होंने ब्रिटिशरों से बहुत ही ज़्यादा हिम्मत से लड़ाई की थी. ठीक है, तो इनमें हुआ क्या था? तो देखो, ब्रिटिशरों ने जो है वो रानी लक्ष्मीबाई के एडोप्टेड सन को अपनाने से मना कर दिया था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका कोई संतान नहीं था. इसीलिए उन्होंने जो है एक बच्चे को जो है गोद लिया था और उसे ही राजा बनाने की कोशिश कर रही थी. और उसी समय ब्रिटिशरों को इनकी भनक पड़ जाती है और वो इस चीज़ को नहीं मानते, और इसीलिए जो है युद्ध छिड़ जाता है रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिशरों के खिलाफ. और यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो इस रिवॉल्ट के यानी लीडर्स ब्रिटिशर के खिलाफ जो है फ्रीडम मोमेंट्स के लिए आगे बढ़ी थी, और उन्होंने एक आर्मी भी बनाई थी जो वुमेंस की थी. ठीक है, और उन्हें इस तरह से तैयार किया था कि वो ब्रिटिशरों से लड़ सके. ठीक है, और उन्होंने ब्रिटिशरों के खिलाफ बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश ऑफिशियल, तो देखो ब्रिटिश ऑफिशियल की बात करें तो ब्रिटिशरों के हिसाब से जो है रानी लक्ष्मीबाई इतनी ग्रेटेस्ट वुमन थी 1857 की. यानी जो भी ब्रिटिशर की हम बात करेंगे तो ब्रिटिशर भी लोग भी तारीफ कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई की, कि वो एक महान महिला है, लीडर है उस रिवॉल्ट की यानी फ्रीडम स्ट्रगल की जो 1857 में लड़ी गई थी. ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते जो है ए ब्रेव आर्मी कमांडर तात्या टोप. तो इसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था. तो नाना साहेब पेशवा जो थे उन्होंने ही जो है एक कमांडर बनाया था जिसका नाम था तात्या टोप, और वो कानपुर के जो है राजा नाना साहेब के कमांडर हुआ करते थे, और वो भी बहुत ज़्यादा स्किलफुल थे और उन्होंने बहुत सारी लड़ाई भी लड़ी थी. ठीक है, और इस स्किलफुली फोर्ड टू फ्री कानपुर प्लेइंग द रोल ऑफ कमांडर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ. ठीक है, तो पहली बार जो है वो उन्होंने कानपुर को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी थी. ठीक है, और उसमें वो कमांडर थे, और उसके दो साल बाद जो है ही प्लेड ए मेजर रोल इन द रिवॉल्ट अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, और उसके बाद जो है उन्होंने फ्रीडम मोमेंट को ज्वाइन किया और उन्होंने बहुत अहम रोल निभाया कंट्री को आज़ाद करने में. और नो वन इन हिज टाइम हैड फोट मैनी बैटल हैज ही अटैक. ठीक है, जब तात्या टोप थे तो उनके जितना युद्ध और किसी ने नहीं लड़ा था, जितने युद्ध का एक्सपीरियंस उन्हें था उतना युद्ध का एक्सपीरियंस और किसी को भी नहीं था. ठीक है, और तात्या टोप के समय पे जो है बहुत सारे सोल्जर जो थे वो अलग अलग इंडिया से आए थे. ठीक है, इंडिया के अलग अलग पार्ट से आए थे और उस फ्रीडम मोमेंट में ज्वाइन हो गए थे. तो देखो कहाँ कहाँ से लोग आए थे, तो नॉर्थ इंडिया बरेली से आए थे, बनारस से आए थे, इलाहाबाद से आए थे, आगरा आए थे, आजमगढ़ से और गोरखपुर
पुर से भी लोग आके ज्वाइंट हुए थे इस रिवॉल्ट में। फिर अजमेर, नसरीदाबाद, आबू, राजपूताना, ग्वालियर, मंडोर, इंदौर एंड धार, ये सब लोग भी जो यानी यहाँ से भी सैनिक लोग जो है वो रिवॉल्ट में ज्वाइंट होते जा रहे थे। यानी ये सत्याग्रह या में हम बोल सकते हैं फ्रीडम मोमेंट में जो है लगातार ज्वाइंट होते जा रहे थे। और कुछ लोग जो है साउथ डायरेक्शन से भी आए थे, जो थे सतारा, कोल्हापुर, सावंतवाड़ी, नरगढ़ और धरवड़, ठीक है। तो यहाँ से भी लोग जो है ये रिवॉल्ट में आ गए थे, ठीक है। अब जो थे सेंटर में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है लोग डर रहे थे, ठीक है। यानी ब्रिटिशर जो थे वो अब थोड़ी डर, उनको थोड़ा डर लग रहा था, ठीक है। अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन गुजरात की बात करेंगे तो 7th बैटालियंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी ब्रोक इनटू रिवॉल्ट इन अहमदाबाद। तो देखो जो ब्रिटिश आर्मी की 7वीं बैटालियन थी उन लोगों ने जो है ब्रिटिश आर्मी से निकलने का फैसला किया था अहमदाबाद में गुजरात के अंदर जून 1857 में, ठीक है। और हाउ इट इज वॉज सून हॉल्टेड, दाहोड, जलौद एंड गोधरा ऑफ पंचमहल विटनेस द स्क्रीमिसेस विद द ब्रिटिश आर्मी, द सोल्जर कुड कैप्चर द सोल्जर को कैप्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस विथ द हेल्प ऑफ नेटिव्स बट वेयर सून डिफीटेड द नायकार दास ऑफ पंचमहल कंटिन्यू द रिवल्सल एलमस्ट फॉर ए ईयर, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया था, जैसे ही ब्रिटिश आर्मी से 7th बटालियन अलग हुई थी, फिर पंचमहल से दाहोड से भी लोग जो थे ज्वाइंट हो रहे थे, और सोल्जरों ने क्या किया था तो गवर्नमेंट ऑफिस को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। फिर भी वो लोग हार गए थे। फिर क्या हुआ था, तो नायका दास थे पंचमहल के, उन्होंने ये चीज़ को कंटिन्यू रखा, ठीक है। एक साल तक उन्होंने ये चीज़ को कंटिन्यू रखा। यहाँ पे सैनिक लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिस को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था और उनसे गवर्नमेंट से जो है अपनी बात मनवाना चाहते थे, मगर उसमें उनको कामयाबी नहीं मिले, वो हार गए। फिर नायका दास और पंचमहल जो थे वो उस चीज़ को संभाल रहे थे और उसको आगे बढ़ा रहे थे। यानी जो फ्रीडम मूवमेंट उन लोगों ने शुरुआत की थी वो चीज़ को आगे कौन बढ़ा रहा था, तो नायका दास, और उन्होंने लगभग जो है एक साल तक उस चीज़ को आगे बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद गड़गर दास पटेल की बात करेंगे तो वो एक हेडमैन थे, किसके, तो आनंद के, ठीक है। तो हेडमैन ऑफ आनंद इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, कलेक्टेड ऑलमोस्ट 2000 वॉलेंटियर ऑफ कोली एंड नायका दा कमेडी टू ज्वाइन द रिवॉल्ट, ठीक है। तो गड़गर दास जो थे वो एक लीडर थे आनंद में, ठीक है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उन लोगों ने उन्होंने लगभग जो है 2000 से भी ज़्यादा जो है वॉलेंटियर को इकट्ठा कर लिया था, और कोली और नायका दास कम्युनिटी से वो लोग बिलोंग करते थे, ठीक है। यानी ये क्या है, तो कोली और नायका दास जो है वो एक समाज है, और वहाँ से जो है 2000 जितने लोग जो है उन लोग क्या बोलते हैं गड़गर दास पटेल ने जो है इकट्ठा कर लिए थे और उन्होंने इस रिवॉल्ट में उन्हें ज्वाइन करवाया था, ठीक है। यानी फ्रीडम मोमेंट में उन्होंने उनको ज्वाइन करवाया, और ही वॉज सपोर्टेड बाय जीवा भाई ठाकुर ऑफ कानपुर, ठीक है। तो गड़गर दास के साथ कौन दे रहा था, तो जीवा भाई ठाकुर जो कानपुर के थे, ठीक है। इसके अलावा मालाजी जोशी, कृष्णा दास दवे, ये लोग जो है गड़गर दास का साथ दे रहे थे, ठीक है। हाउएवर द सपोर्टर ऑफ गड़गर दास वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर, मगर गड़गर दास के जितने भी सपोर्टर थे वो ब्रिटिशर द्वारा कैप्चर कर लिए गए थे, यानी उन्हें पकड़ लिया गया था ब्रिटिशर द्वारा, और टाइड टू द कैनन एंड वेयर ब्लोन आउट विद द कैनन बॉल फायर, ठीक है। और उसको कहाँ पे बांध दिया गया, तो तोप के सामने बांध दिया गया, यानी जितने भी गड़गर दास के साथी थे उन्हें तोप के सामने बांध दिया गया, और उसके बाद कैनन बॉल चलाया गया, और यानी तोपें चलाई गई जिसके वजह से वो लोग मारे गए, ठीक है। और गड़गर दास वॉज एक्साइल्ड टू अंदामन वेयर ही डाइड, ठीक है। और उसके बाद गड़गर दास जो है अंदामन निकोबार आइलैंड चला गया था और वहाँ पे उसकी मौत हो गई, ठीक है। तो हमने देखा किस तरह से गड़गर दास के सपोर्टर जो थे वो ब्रिटिशर द्वारा पकड़े गए थे और फिर उन्हें तोपों से उड़ा दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद गड़गर दास जो है वहाँ से भाग गया था, अंदामन निकोबार आइलैंड चला गया था और वहाँ पे उसकी मौत हो गई, ठीक है। द पीपल ऑफ चांडू विलेज विच इज 16 माइल्स अवे फ्रॉम इधर एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ नाथाजी एंड यामाजी एंड ज्वाइन द रिवॉल्ट, ठीक है। जो लोग थे चंडप गांव के जो 16 माइल्स दूर थे इधर से, ठीक है, वो गांव जो है वो 16 माइल्स दूर था इधर से, और वहाँ के लोगों को चंडप कहा जाता था, चंडप गांव के लोग थे इसलिए, ठीक है। और उन्होंने जो है एक्सेप्ट कर लिया था लीडरशिप, यानी उन्हें उन लोगों ने दो लीडर्स रखे थे अपने जो थे नाताजी और यामाजी, और उसके बाद उन्होंने भी फ्रीडम मूवमेंट्स को ज्वाइन कर दिया था। द ब्रिटिशर कैंप एट नंदना विलेज बिटवीन, तो देखो जो ब्रिटिशर लोग थे उन्होंने क्या किया था, तो एक कैंप रखा था नंदना विलेज के पास,
जो ओका और बराड़ी के बीच में आता है. द ब्रिटिश कमांडर ऑफ नेवी बिकम इम्पेशेंट एंड ही रीच द पोर्ट ऑफ बेट द्वारका विया द बे ऑफ बेट. तो जो ब्रिटिश कमांडर थे नेवी के, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट थे, यानी उनको शांति नहीं थी. इसी के वजह से जो है वो जल्दी से जल्दी कहाँ पहुँचना चाहते थे, तो बेट द्वारका पहुँचना चाहते थे. उसके किले में पहुँच के जो है वो कहाँ से गए थे, तो उसके बाद वो बे ऑफ बेट से गए थे. और दोनावन ऑर्डर एंड अटैक ऑन द फोर्ट, ठीक है. और उसके बाद दोनावन जो थे वो उन्होंने ऑर्डर दिया था कि अटैक करो इस किला पे. और द वार्गर्स इनसाइड द फोर्ट हैड नो सच आर्टिलरी टू काउंटर अटैक. तो देखो जो वार्गर थे ठीक है, तो उन्हें इतना भी टाइम नहीं मिला कि वो अपने आप को बचा सके, ठीक है. एट दिस टाइम द वार्गर वुमेंस केम अप विद ए वेरी ब्रेव एंड इनोवेटिव आइडिया एंड दे सोक्ड द मैट्रेस विद वाटर इन विच दे कुड कैच द कैनन बॉल्स एंड पुल देम इमीडिएटली, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा था, तो देखो वार्गर लोगों को जो थे, यानी गुजरात के जो वार्गर लोग थे, उनको पूरी तरह से घेर लिया गया था ब्रिटिश कमांडर नेवी के. उन्होंने घेर लिया था और उन्होंने अटैक का भी ऑर्डर दे दिया था और उन्होंने तोप से हमले करने चालू किए, जिससे कैनन बॉल जो थे वो अंदर यानी किले के अंदर जा रहे थे. तो वार्गर वुमन जो थी वो क्या कर रही थी, तो उन्होंने एक इनोवेटिव आइडिया निकाला, यानी एक आइडिया निकाला और बहुत ही हिम्मत से जो है उन्होंने काम लिया. और उन्होंने क्या किया, तो जो कैनन बॉल किले में गिर रहे थे जिसमें आग जल रही थी, उन्हें जो है क्या किया, एक कपड़े को गीला करके जो है उस कैनन बॉल को ठंडा किया, ठीक है. और दिस वी वुड एनेबल द वार्गर मैन टू फाइट द बैटल विदाउट बीइंग हिट बाय द कैनन बॉल, ठीक है. और इसी के वजह से जो है जो वार्गर मैन थे वो युद्ध लड़ पाए और कैनन बॉल से भी बच पाए, ठीक है. नाउ हियर द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड सच एन एक्ट ऑफ वैलर हैज बीन एग्जीबिटेड. वार्गर वुमेन्स वेरी ब्रेवली डिसआर्म द कैनन बॉल विदाउट वरिंग अबाउट देयर ओन लाइफ, ठीक है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो वार्गर वुमन थे उन लोगों ने बहुत ही हिम्मत से काम लिया और उन्होंने बहुत सारे कैनन बॉल को जो है जलते हुए कैनन बॉल को जो है उन्होंने बुझाया और उसके बाद जो है अपनी लाइफ की भी उन्होंने चिंता नहीं की, ठीक है. और दिस एक्ट ऑफ ब्रेवरी वॉज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ रानी लक्ष्मीबाई. और ये चीज़ को यानी यही चीज़ को हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई जैसी है. जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने जितनी हिम्मत दिखाई थी, उसी तरह से वार्गर वुमन ने भी बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दिखाई थी. और ऐसी बहुत सारी महिलाएं गुजरात में जो लक्ष्मीबाई की तरह ही हैं, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते, जो है सिटी ऑफ नॉर्थ गुजरात लाइक पाठन, केलरू, बिलोड़ा, दुदेटी एक्सेट्रा ब्रोक इनटू द रिवॉल्ट विद द हेल्प ऑफ नेटिव्स. तो देखो और भी नॉर्थ गुजरात की जो सिटीज़ थे यानी शहर थे वो भी इसमें ज्वाइंट होते जा रहे थे, जैसे पाठन, केरलू, बिलोड़ा, मुथेडी, ठीक है. तो ये सब उसके साथ ज्वाइंट हो रहे थे. अपार्ट फ्रॉम दिस दिसंबर 1858, तो देखो इसके अलावा हम देखने जाए तो दिसंबर 1858 में तात्या तोप जो थे वो अपने आर्मी के साथ पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में आए थे और वहाँ पे रुके थे. और ही हैड टू एस्केप टू द फॉरेस्ट ऑफ वनसड़ा व्हेन बीइंग चेस्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी. और फिर अचानक से ब्रिटिश आर्मी को इस चीज़ की खबर पड़ी और तात्या तोप जो है वो जंगल के रास्ते से भाग गए थे, ठीक है. जंगल और वो वंसवाड़ा से जो है वो भाग गए थे, ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटिश आर्मी जो है उनके पीछे लगी हुई थी. तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.